हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। फ्री डिश डीडीएस सिस्टम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं अपडेट लिख रहा हूँ दोस्तों, वो अपडेट है कि हम जब कोई भी सैटेलाइट ट्राई करते हैं तो एक टीपी से करते हैं, ठीक है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आपके पास 3-4 टीपी होनी चाहिए, 3-4 टीपी से ही आप डिश ट्रैकिंग कर पाओगे, पूरी संपूर्ण आपको चैनल लिस्ट भी प्राप्त होगी। तो कई भाई बहन हमारे घर करते भी हैं, ठीक है, जो फॉलो करते भी हमको, तो उनके सिग्नल भी फुल आते हैं और चैनल लिस्ट भी इनकी ज़्यादा बड़ी होती है। तो जो भाई अभी भी ये नहीं कर पाते हैं दोस्तों और इग्नोर करते हैं ऐसी बातों को, तो उनके लिए चैनल लिस्ट हमेशा कम ही होती है, छोटी होती है। तो आज मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, देखिए आप क्या चीज़ करते हो तो जिससे आपको चैनल कम मिलते हैं। तो चैनल ज़्यादा कैसे लाएँ ये भी आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, आज मौसम भी ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये पहली बताऊंगा, आपको सिग्नल मुझे कितना मिल रहा है। अभी देखिए, जिससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, ये देखिए मुझे 54 सिग्नल मिल रहा है ना पहली टीपी से, ठीक है। 120 53 है, 27 500 हॉरिजेंटल, मुझे 54 सिग्नल मिल रहा है। क्योंकि तो अभी यहाँ पर देखिए अभी बादल हो रखे हैं, आप देख रहे हो, तो बादल होने की वजह से सिग्नल अप डाउन कर रहा है, लेकिन मुझे देखिए देखिए कितना सिग्नल मिल रहा है अभी, ठीक है, 54 मिल रहा है। तो बाकी टीपी से मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। ये दूसरी टीपी है, ये देखिए दूसरी टीपी है, इससे भी मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये तीसरी टीपी है, देखिए इससे भी मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। ये चौथी टीपी है, इससे भी मुझे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आखिर ये मिल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, हम ऐसे करते हैं भी, हम पहली टीपी ट्राई कर लेते हैं और हमको सिग्नल मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं, ऑटो स्कैन करके देखते हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं, भाई हमको तो बहुत कम चैनल मिले हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा भाई, आप मुझे जो मैं कहता हूँ आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और आधी अधूरी बात लेकर एक टीपी से सिग्नल निकाल कर उसको ऑटो स्कैन करने चले जाते हो, ठीक है। तभी आपको सिग्नल तो मिलते ही कम है और दूसरा आपको चैनल लिस्ट आपकी छोटी होती है और आपको गिनती के चैनल कुछ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए मैंने अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, 42 डिग्री मैंने ट्रैक किया हुआ है, पहली टीपी से मुझे 54 और 58 सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, 42 डिग्री में एक टीपी से। तो इसका मतलब ये नहीं भी मैं नीचे चला जाके और भी मेरा ये सेटेलाइट ट्रैक हो गया और मैं नीचे जाके ऑटो स्कैन करूँगा अपना सेट बॉक्स और अपना प्रोग्राम देखूंगा, नहीं। तो मुझे अभी 2-3 टीपी से और सिग्नल चेक करना है, तभी मैं नीचे जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने, मैं ये देखिए दूसरी टीपी है, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 2 नंबर की टीपी है, सिग्नल बिल्कुल कम आ रहा है। ये तीसरी टीपी आप देख लीजिए, ठीक है, तीसरी टीपी है, इससे भी ये पहले से लिखा हुआ है, ये सिग्नल देख लीजिए बिल्कुल जीरो है। ये चौथी टीपी है, सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, जीरो है। तो ये पहली टीपी है, देखिए ये 54 दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, बिल्कुल आपको हर टीपी से सिग्नल निकालना होगा, तभी मैं हर ऐसे बोलता हूँ भी, जब भी कोई सेटेलाइट ट्रैक करो अपने पास 3-4 टीपी जरूर रखो, बोलता ना बोलता ना। लेकिन आप कुछ लोग हैं जो फॉलो करते कुछ नहीं करते, तो आज की वीडियो उनके लिए जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो मैं इन बाकी टीपी से भी इसका सिग्नल निकाल के दिखाऊंगा अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, जो हमारे नए दर्शक हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो ये देखिए मैंने दूसरी टीपी निकाल ली है, ठीक है, अभी आपको दिख नहीं रहोगा, मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट करूँगा डिश की फिर से, ठीक है। तो मैंने LLB पोजीशन को भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की, इसमें बिल्कुल भी इसमें सिग्नल नहीं आया, सिर्फ पहली टीपी से सिग्नल आ रहा था, लेकिन बाकी 3 टीपी से मुझे सिग्नल नहीं आ रहा था। अब मैं डिश को फिर से रीसेट करूँगा हल्का सा और मुझे देखते हैं सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता। तो बने रही हमारे साथ, ठीक है। दोस्तों कोई भी सेटेलाइट ट्रैक करना हो ना, आपके पास 3-4 टीपी होनी चाहिए बिल्कुल, तभी आप हर चीज ट्रैक कर पाओगे। पहली टीपी से मुझे एक बार सिग्नल चेक करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे। मुझे 61 मिला है पहली टीपी से, हम दूसरी तीसरी चौथी टीपी टेस्ट करेंगे। हाँ देखिए अभी मुझे सिग्नल मिल चुका है, एक बार मैं इसका नेट टाइट कर देता हूँ फिर मैं आपको सिग्नल दिखाता हूँ। ये देखिए
ये देखिए दूसरी टीपी से, ये देख ली यार, दिख रही ना आपको, ये दूसरी टीपी से भी मुझे सिग्नल मिलना लग गया, पहले मिला नहीं था ना। मैंने डिश को फिर से रीसेट किया, पहली टीपी एक बार सिग्नल हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पहली टीपी से मुझे एक सेट हो गया, पहले कितना मिल रहा था, 54 मिल रहा था, अब 60 मिल रहा है, 61 भी मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरी टीपी है, ये देखिए अभी बादल होने के कारण ये ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल आज ठंडा मौसम चल रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये टीपी से सिग्नल नहीं आया, ये चौथी टीपी से आ गया, मतलब एक टीपी मिसिंग हो रही है, लेकिन अभी मैं तो उस टीपी से भी सिग्नल निकालूंगा, प्रॉपर सभी टीपी से सिग्नल निकालूंगा, तभी कुछ बनेगा। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं नीचे जाने वाला, तो सारा काम करके जाऊंगा। ठीक है, तो एक बार इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये देखिए मुझे चौथी टीपी से भी सिग्नल मिल गया, मेरे एक हाथ में मेरे डिश को पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से मैं आपको सिग्नल बता रहा हूँ। ये देखिए मुझे सिग्नल मिला चौथी टीपी से। ठीक है, ये देखिए चौथी टीपी से भी सिग्नल मिल चुका है। ठीक है, ये ऐसे ही ट्राई करना है दोस्त, ऐसे ही ट्राई करना है। ठीक है, ऐसे ही ट्राई करोगे तभी आप सिग्नल निकाल पाओगे। तो ऐसी डिश की ट्रैकिंग करनी है, 3-4 टीपी अगर आपके पास हो, सभी टीपी से सिग्नल निकालने की कोशिश करो। ठीक है, सभी टीपी से सिग्नल निकालने की कोशिश करो, तभी आप सेटेलाइट को ट्रैक कर पाओगे। तो नीचे चल के मैं आपको इसकी हर बॉक्स में, हमारे इस बॉक्स में इस कितने कितने सिग्नल आ रहे हैं, कितनी कितनी टीपी रिसीव हो रही है, कितनी टीपी से हमको कितना चैनल, सॉरी कितना हमको सिग्नल प्राप्त हो रहा है, ये सब नीचे आ चल के आपको दिखाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं। दोस्तों अभी हम अपने टीवी के आ चुके हैं, और ये देखिए मेरे हर टीवी से सिग्नल कितना मिल रहा है। दोस्तों ये आप टीवी भी देखते जाइए, और टीवी के साथ सिग्नल भी मुझे कितना मिल रहा है वो भी देखते जाइए। तो 42 डिग्री की मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, हर सेटेलाइट को ऐसे ही ट्रैक करना है। हर सेटेलाइट में आपको 3-4 टीवी लेकर साथ चलना है, तब एक टीवी से काम नहीं चलेगा। मैंने छत पर आपको दिखाया था, एक टीवी से सिग्नल मिल रहा था, बाकी टीवी से सिग्नल नहीं मिला। तो मैंने ऊपर जाके सभी टीवी से सिग्नल उसको निकाला, और उसके नीचे जाके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, हर टीवी से मुझे सिग्नल इतना मिल रहा है। दोस्तों तभी आपको चैनल लिस्ट आपकी ज़्यादा लंबी होगी, जब तक आप सही प्रॉपर सैटेलाइट को ट्रैक अगर नहीं करते तो। ठीक है, तो हर सैटेलाइट से ज़्यादा चैनल कैसे प्राप्त करें, ये वाली ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं। मैं हर वीडियो में यही बोलता रहता हूँ। ये देखिए हर टीपी से मुझे सिग्नल मिल रहा है, हर टीपी से। ये देखिए 14-15 टीपी हो चुकी है, हर टीपी से मुझे सिग्नल मिल रहा है। तो ये प्रयास था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।